नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें न केवल स्वास्थ्य और कानून की धज्जियां उड़ती हैं बल्कि सामाजिक और नैतिक सवाल भी उठते हैं। सोचिए, एक छोटे से गांव में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं खेतों की ओर दौड़ रहे हैं, हाथों में मिट्टी से भरे बर्तन और चेहरे पर आशा की चमक। ये एक साधारण दृश्य नहीं है बल्कि एक ऐसे संकट का परिणाम है जो हमारे स्वास्थ्य और कानून की व्यवस्था को चुनौती देता है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में भारत नेपाल सीमा के पास एक ऐसा हंगामा मचा जिसने सबको चौंका दिया। यहां कस्टम विभाग ने 16 टन चीनी लहसुन जब्त किया था जिसे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना गया था। इस लहसुन को नष्ट करने के लिए विभाग ने इसे मिट्टी में दबा दिया, लेकिन जैसे ही अधिकारी मौके से हटे, ग्रामीणों की भीड़ ने उस जगह पर पहुंचकर मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। हाथों में लहसुन लिए ये लोग अब खेतों में इसे बोने की तैयारी कर रहे थे। क्या ये महज एक आर्थिक मजबूरी थी या फिर कुछ और? इस घटना ने कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं। जब ये स्पष्ट था कि चीनी लहसुन सेहत के लिए खतरनाक है, तो इसे पूरी तरह से नष्ट क्यों नहीं किया गया? मिट्टी में दबाने की बजाय इसे जलाकर या किसी और सुरक्षित तरीके से नष्ट क्यों नहीं किया गया? कस्टम विभाग की नष्ट करने की प्रक्रिया में ये कमी चिंताजनक है और इसे लेकर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। ग्रामीणों का कहना है कि बाजार में लहसुन की ऊंची कीमतों के चलते उन्होंने इसे खेतों में बोने के लिए निकाला है। उनके लिए ये एक आर्थिक अवसर की तरह था जिसमें वे अपने खर्चों को कम कर सकते थे। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इस लहसुन का इस्तेमाल किसी भी रूप में खतरनाक हो सकता है और इससे स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। अब ये चीनी लहसुन इतना चिंताजनक क्यों है, ये भी जान लेते हैं। दरअसल चीन से आने वाला लहसुन, जिसमें मेटाइल ब्रोमाइड जैसे जहरीले रसायन का उपयोग किया जाता है, भारत में एक गंभीर स्वास्थ्य संकट का कारण बन गया है। ये रसायन लहसुन को फफूंद और कीटों से बचाने के लिए लगाया जाता है, लेकिन इससे स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान हो सकता है। इसके सेवन से लीवर, किडनी और नसों की समस्याएं हो सकती हैं और इससे आंखों की रोशनी में भी कमी हो सकती है। सरकार और संबंधित विभागों को चाहिए कि वे इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाएं। कस्टम विभाग को चाहिए कि वो भविष्य में ऐसे मामलों में पूरी सतर्कता बरतें और नष्ट करने की प्रक्रिया को सुरक्षित और प्रभावी बनाएं। साथ ही समाज को भी इस मुद्दे के प्रति जागरूक रहना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे जहरीले उत्पादों का इस्तेमाल ना हो। चीन से आने वाले जहरीले लहसुन की ये घटना एक गंभीर चेतावनी है कि हमें अपने खाद्य सुरक्षा मानकों को मजबूत करना होगा। केवल सरकारी प्रयास ही नहीं बल्कि समाज की जागरूकता और सहयोग भी इस मुद्दे के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये घटना हमें ये याद दिलाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। अपने विचार और सुझाव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जागरूकता फैलाने में मदद करें। धन्यवाद।